वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज मैं जा रहा था मुंबई यहाँ से, लेकिन अभी फ्लाइट अभी 1 आवर लेट है, 1 घंटा लेट है, तो बैठ बैठ के बोरिंग हो रहा है, इधर में बोरिंग हो चुका है। तो फिर मेरा था आपका 5:20 का था, लेकिन अभी टाइम देख रहे हैं वहाँ 6:20, पूरा 1 घंटा लेट है, तो बैठना पड़ेगा। इधर उधर निकल भी नहीं सकता हूँ, भीड़ भाड़ है सब। फ्लाइट के लिए रुका है, मैं भी रुका हूँ। मैं अभी निकला घर से देर से टिकट करके, और फिर मैं बाद में आपको अपडेट देता रहूँगा क्या होगा। गाइस, तो मेरा सफ़र शुरू होने वाला है, ट्रेन सामने है मेरा, तो अभी मैं सोने वाला हूँ। गाइस, मैं आपको मुंबई पहुँच के अपडेट करूँगा यहाँ से, फिर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ऐसे मैं जहाँ जहाँ पहुँचूँगा। अभी तो मैं अर्जेंट काम से निकला हूँ, लेकिन कहीं पर भी मैं पहुँचूँगा आपको अपडेट देते रहूँगा। अब तक के लिए बने रहे चैनल में। तो गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं, एयरपोर्ट से निकल गया हूं, तो मैं अभी वलसाड के लिए निकल गया हूं, और मैं अभी तो रात का लगभग 10:30 हो गया, और 12:15 में एक ट्रेन है बनारस है, तो वही ट्रेन पकड़ के मैं निकल रहा हूं। करीब 4 बजे तक मैं पहुंचूंगा अपनी डेस्टिनेशन पर। ये देखिए मुंबई का रोड, पूरा मुंबई का रोड, रात में ऐसा होता है। और हमारा भैया जी भी बहुत स्ट्रांग, बहुत तेज चला रहा है। दादा, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम? अच्छा, और मंडल है दादा का। हाँ दादा, आपको हेल्प कर दिया। इसी के साथ में फिर स्टेशन में पहुंच के आपको अपडेट कराऊंगा। बहुत स्पीड है, 1 मीटर भी चल रहा है। तो अभी मैंने मेरा वाइफ से थोड़ा प्रैंक किया, मैं एक्चुअली वाइफ को सरप्राइज देने वाला हूँ, इसलिए मैं मुंबई आया था, वो घूमने आया है, तो उसको लेने तो मैं आना ही था, लेकिन मैंने प्रॉपर आज का डेट नहीं बताया क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ लेने के लिए। अभी फ्लाइट भी लेट हो गया थोड़ा, कम से कम फ्लाइट तो दो घंटा जैसा लेट हो गया, इसीलिए अभी मुझको ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है। और अब तो मैं इस टाइम तो पहुंच गया होता,
लेकिन फिर भी ठीक है, जा रहे हैं। कल सुबह 4-5 बजे जितने भी होगा मैं पहुंचूंगा, और मेरा थोड़ा पैसा भी बचेगा। और यहाँ का टैक्सी वाला तो बोल रहा है कि 4,000 पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, अभी रात का समय है। और होटल का भी इतना महंगा 1800-2000 बोल रहे हैं। इससे तो बेहतर 4-5 घंटा का रास्ता है, मैं निकल जाऊँगा आराम से, थोड़ा पैसा भी सेव हो जाएगा। और मैं खुश हूँ कि मैं कम से कम मुंबई पहुँच गया। अभी थोड़ी देर आगे मैं वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो घर है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ है, पहाड़ की रानी क्वींसविल, कि मैं वहाँ था। मैं कम से कम 8-9 घंटा आगे मैं वहाँ था। 8-9 घंटे के बाद मैं अभी मुंबई में हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं गुजरात में हूँगा, और शायद कल या परसों में मैं फिर दार्जिलिंग पहुँचूँगा बाई प्लेन। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसी के साथ मेरा चैनल भी बनते रहे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं कहीं पर भी नया जगह जाऊँगा मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देखते रहेगा, हम आपको नया नया अपडेट आप लोगों के लिए भेजते रहेंगे। और आप लोगों के जो सपोर्ट है हमको, कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से मुझको आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और मैं फिलहाल जा रहा हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में फिर अपडेट करूँगा कहाँ पहुँचूँगा अगले पार्ट में। तो अभी मैं जा रहा हूँ बिंद्रा की तरफ। भैया बहुत स्पीड बढ़ा रहा है, क्योंकि हमको भी ट्रेन पकड़ना है, इसीलिए मैं जाके ट्रेन पकड़ के फिर आपको अपडेट करूँगा मैं कहाँ पहुँचूँगा। तो 11:05 हो गया रात का, फिर देखिए मार्केट खुला है। ये है मुंबई, मुंबई है, और हम पहुंच गया बांद्रा स्टेशन। वहाँ से मेरा सुबह का ट्रेन पकड़ना है। गाइस मैं बांद्रा स्टेशन पहुंच गया हूँ, अभी टिकट के लिए वेट कर रहा हूँ। टिकट पकड़ सामने है, टिकट काट के 12 बजे का ट्रेन में मैं चढ़ूँगा, फिर आप लोग अपडेट करते रहूँगा।